मथुरा से हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार स्वच्छ भारत की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारी स्वच्छ भारत पर परिता लगाने में लगे हुए हैं। जीता जागता उदाहरण महाविद्यालय में रामलीला ग्राउंड के सामने का है, जहां कीचड़ में से निकलने के लिए लोग नगर निगम की लापरवाही की वजह से मजबूर हैं। जी हां, आपको बता दें कि महाविद्यालय कॉलोनी रामलीला ग्राउंड के सामने मसानी को जोड़ने वाले रास्ते में सड़ा गंदा पानी कीचड़ पड़ी हुई है। नाले से सटे कबाड़े और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थर्माकोल को नाले में डाल देते हैं, जिससे पुलिया अवरुद्ध हो जाती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए ज्ञान ले, जिसकी वजह से स्कूली बच्चे और आम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनहित के नाते इस मार्ग की दशा में उचित सुधार कर इसको बनवाया जाए, जिससे स्थानीय व आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर निगम मुर्दाबाद। हमारे वार्ड नंबर 37 में तो इतनी स्थिति खराब है कि पैदल भी लोग नहीं निकल पाते हैं। बच्चे भी जूते हाथ में लेकर के बाहर आ रहे हैं। इतनी कीचड़ और पानी भरी हुई है, नालों की कोई सफाई हुई नहीं है। और जो नगला चंद्रमान में हमारे यहाँ पानी की समस्या बड़ी कड़ी है, 51 नंबर वार्ड जो अब 52 नंबर हो गया है, उसमें टंकी बनी खड़ी है लेकिन पानी वहाँ पर नहीं जाता है। उसके भी संदर्भ में हमने उनसे बात की है कि वहाँ भी पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है, टंकी बनी हुई है, लेकिन पानी की कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और बाढ़ में इतना पानी और कीचड़ गंदगी भरी हुई है कि लोग बड़े परेशान हैं। उस परेशानी को लेकर हमने इनको ज्ञापन दिया है और आगे भी हम ज्ञापन देते रहेंगे। या तो वो समस्याओं का समाधान हो, ये नगर निगम उनका समस्याओं का समाधान करे, नहीं तो हम आगे और भी धरना प्रदर्शन करेंगे। आपके ज्ञापन दिए जाने के बाद नगर आयुक्त ने क्या सुझाव दिया? नगर आयुक्त जी ने कहा है कि हम कुछ दिन में उसका समाधान करेंगे और वहाँ की समस्याओं को देखेंगे, अवगत कराते रहिए। हमने इस समय बरसात के समय हर जगह पर गंदा नालों का सड़ा हुआ पानी और कीचड़ भर रही है, सड़कें धस रही हैं, रोड आए दिन गिर जाता है, जरा सी बारिश में आदमी निकल नहीं पाता। इसी प्रकार से रामलीला एक ऐसी जगह है जहां पर लाखों लोग वहां इकट्ठे होते हैं, रामलीला होती है, उसी के सामने बराबर एक नाला है, वहां से दुकानदारों के यहां रोड पर कीचड़ और गंदी सड़ी हुई पानी भरा हुआ है, उसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। बल्कि 37 नंबर में भी बहुत बुरा हाल है, हमारे मंगल अरवार जी के यहाँ पर गए, इसी प्रकार बहुत जगह छठी बाकलपुर बहुत जगह ऐसी स्थिति भयावह है। तो हमने आप बात की आपके सामने, हमने उनसे कहा है कि इसका जल्दी से निराकरण किया जाए और जब तक ये सड़कें नहीं बनेंगी ऊँची होकर के, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यदि इन लोगों ने हमारी बात का ध्यान नहीं दिया तो हम लोग आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ में हमारे भगत सिंह जी जो आप पार्टी से जिलाध्यक्ष हैं, हमारी महिला जिलाध्यक्ष हैं आपकी भी, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, हमारे साथ और भी सब लोग काफ़ी लोग हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों के गूंगी बहकी सरकार को हम जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं आज। यदि ये जाग गई तो ठीक है, नहीं तो लोकतंत्र में हमारे पास एक ही हथियार है कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम इनको सोने नहीं देंगे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।